सावनेर पुलिस स्टेशन अंतर्गत अदासा स्थित शमी विघ्नेश गणेश मंदिर प्रातः 4 बजे संस्था के उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपुर के न्यायाधीश नितिन सांबरे के हाथों उनके सहपरिवार के उपस्थिति तथा अध्यक्ष व कलमेश्वर तहसील के न्यायाधीश संस्थान के अध्यक्ष कलमेश्वर न्यायालय के न्यायाधीश वाईएस कौड़े विश्वस्त जयंत मुलमुले एडवोकेट श्रीकांत पांडे एडवोकेट शिशिर बाना एवं पदाधिकारी आदि की प्रमुख उपस्थिति में श्री गणेश का अभिषेक कर 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया। अदासा स्थित गणेश मंदिर प्राचीन स्वयंभू मंदिरों में से एक है तथा पुराणों में मिलने वाले उल्लेख से असुर राजा बलि ने इंद्र पर प्राप्ति करने के लालच से घोर तपस्या कर 100 यज्ञों का संकल्प लिया था। उसी कड़ी में अदासा स्थित 100 यज्ञ पूर्ण होते ही राजा बलि को इंद्र पर प्राप्त होना था। यह यज्ञ पूरा न हो इसलिए भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर शमी वृक्ष के नीचे स्थित गणेश की घोर आराधना कर शक्ति प्राप्त की तथा भगवान श्री शमी विघ्नेश के आशीर्वाद से बलि राजा के यज्ञ में पहुंचकर यज्ञ को विध्वंस कर राजा बलि से 3 पग जमीन दान में मांगी। राजा बलि सहजता से इस दान देने हेतु तैयार हो गए। तब वामन रूपी भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण कर पहले पग में धरती, दूसरे पग में आकाश व तीसरा पग राजा बलि के सर पर रख उसे पाताल लोक पहुंचाया, जिसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है। और इस दिन तिल चतुर्थी होने से यहाँ भव्य मेला लगना प्रारंभ हुआ। तभी से संपूर्ण विदर्भ एवं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के साथ साथ देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन कर अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु यहाँ बड़ी श्रद्धा से पहुँचते हैं। यात्रा के दौरान अदासा ग्राम में खिलौने, पूजा सामग्री, श्रद्धालुओं के लिए मनोरंजन हेतु मीना बाजार तथा घर घर हार फूलों व अनेक दुकानों से सज जाता है। इस 3 दिवसीय मेले में विशेष रूप से राज्य के पूर्व मंत्री सुनील केदार, मंदिर व्यवस्थापन संस्था सावनेर पुलिस तथा आध्यात्मिक संस्थाएं अपनी अपनी सेवाएं प्रदान कर खुद को धन्य मानते हैं। मेला क्षेत्र में अनहोनी घटनाओं को टालने हेतु सावनेर पुलिस निरीक्षक रविंद्र मानकर के मार्गदर्शन में महिला एपीआई मंगला मोकाशे तथा शरद भस्मे के नेतृत्व में चप्पे चप्पे पर पुलिस तथा निजी सुरक्षा इंतजाम कर मेले को सफल बनाने का प्रयास शुरू है। वही मंदिर ट्रस्ट के जयंत मुलमुले, चंदू लाहबर, तरुण ओझा, सतीश कुंदनवार, मनीष पिंपल शेंडे, एडवोकेट प्रकाश टेकड़े आदि 3 दिवसीय चलने वाली इस तिल चतुर्थी यात्रा को सफल बनाने हेतु प्रयासरत है। वही श्री अदोष क्षेत्र अदासा में स्थित पौराणिक श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव, हनुमान मंदिर, माँ काली मंदिर, भैरव मंदिर, लेटे हुए हनुमान जी गुफा मंदिर, बाहुबली श्री गणेश कुंड आदि के साथ ही मोगल काल में मोगल शासकों द्वारा तोड़ी गई भग्ना अवस्था में स्थित मूर्तियां भाविकों को अपनी ओर आकर्षित कर तिल चतुर्थी पर लगने वाले इस 3 दिवसीय मेले को भव्यता प्रदान करती है। ये अदोष क्षेत्र है, अदाम्बापुर कहते हैं पुराण में इसको, और गणेश पुराण, मुद्गल पुराण, वायु पुराण, इसमें यहाँ पूरा इतिहास है। और वो एक श्लोक है, श्लोक में ही पूरा वर्णन आता है। साक्षात ब्रह्म गजाननम दशभुजम श्रीवक्रतुंडम विभुम विष्णुमादीश्वर पूजितम कृतयुगे कंठादि दैत्यांतकम पश्चात वामन सेवितम विजयदम श्रीमुद्गलस्याश्रमे क्षेत्रे दोषहरे स्थितम हृदि भजे भव्यम शमी विघ्नपम। वामन बलि राजा थे, उन्होंने यहाँ शतयज्ञ करने का संकल्प किया था, तो 99 यज्ञ उनके पूरे हो गए और ये गणेश जी शमी के झाड़ से निकले, इसलिए इनका नाम है शमी विघ्नेश वक्रतुंड। अदाम्बापुर कहते हैं बलि राजा ने यहाँ 100 यज्ञ किए और बाद में ये तीर्थक्षेत्र निर्माण हुआ। और ये तीर्थक्षेत्र हुआ तो कृतयुग में हुआ, और तब गणेश जी का वाहन ये था, सिंह था, और आज मूषक है कलयुग में। और दशभुज यानी तो 10 हाथ है गणेश जी को, और सिंह जैसे आरूढ़ गणेश जी की मूर्ति है। और ये गणेश जी यानी तो हर मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत विशेष क्षेत्र माना जाता है विदर्भ। आदेशाला आजचा या योगा योगात मला हा जो योग घडून आला आहे त्यामध्ये मला इथे येऊन श्रीची जी सेवा करायचा चान्स मला जो ट्रस्टीजने दिला आहे त्याबद्दल मी त्यांचा फार फार आभारी आहे। आज 10 वर्ष मुंबई हायकोर्टाचा जज म्हणून काम करतो आहे, प्रॉपर नागपूरचाच, पण पूर्ण 10 वर्ष बाहेर काढले आणि पहिल्यांदा नागपूरला ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह जज म्हणून आलो। आल्यानंतर या ट्रस्टचे विश्वस्त स्वतःशी बनाईत साहेब, लाहावर साहेब हे स्वतः येऊन मला इन्व्हिटेशन देऊन गेले, त्यांचेसुद्धा मी फार फार आभार मानतो। तसेच मंदिरात जे इथे दर्शनासाठी भाविक येतात आणि बाकी जे भाविकांसाठी जी केलेली इथे सोय आहे,
विश्वस्तांनी स्वतः लक्ष घालून त्यांना जी काही सेवा देता येईल त्याबद्दल विश्वस्तांचे खरंच आपण कौतुक करण्यासारखी ही बाब आहे। मी आपण सर्वांचे आभार मानतो, परत एकदा ती चतुर्थीच्या सर्वांना शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। बीसीएन न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढोंडेले की रिपोर्ट।